हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है क्या है, वो ये है कि बहुत सारे डीएम आते हैं कि मैं बताऊँ वीडियो एडिट कैसे करती हूँ मैं, स्पेशली मेरी जो वीडियो स्लोमो होती है कि उनको मैं कैसे एडिट करती हूँ ये मैं बताऊँ, तो मैं आज बताऊँगी आपको। और ये ऐसा नहीं है मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो इसलिए ये सबको पता होना चाहिए। बहुत सारी जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को देते हैं यार मेरी वीडियो एडिट कर दे, तो उससे आराम से ना आप छुटकारा पा सकते हो। और वो नखरे दिखाता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छी ऐप है। दो ऐप्स हैं जिनके बारे में बताऊंगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो फोटोज़ पे जो है गाना ऐड करके, ज़रूरी नहीं है हर बंदा रील डाले या कुछ करे, वो स्टेटस भी लगाना चाहता है। एक कोई गाना है आपको अच्छा लगता है और आपको अपनी फ़ोटो पे लगाना है, तो उसको आप लंबा एक मिनट दो मिनट का भी गाना अपने फ़ोटो पे कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, आराम से आप खुद भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करो। उसके जो ऐप्स मैं आपको बताऊँगी बहुत अच्छी ऐप है, आपको उसके लिए कोई पे भी नहीं करना है, सबसे बड़ी बात यह है, कोई वाटरमार्क भी आपकी जो है वीडियो पे नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ आपको कि कौन सी वीडियो है। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई फोटो है और आपको कोई सॉन्ग लगाना है तो आप कैसे लगाओगे। सेकंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी देखो नॉर्मल वीडियो है, अब बहुत सारे जो है मेरे पास क्वेश्चन है कि मैं वीडियो स्लोमो कैसे बनाती हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके पास आईफोन है सिर्फ वही स्लोमो वीडियो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है कोई भी फ़ोन, आपके पास एंड्रॉयड हो, आपके पास आईफोन हो, आप नॉर्मल वीडियो शूट करो, उसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ उससे आपको स्लोमो उसमें और फास्ट स्लो आपको उसमें इफेक्ट्स डालने हैं, वो कैसे डालते हैं मैं बताऊँगी आपको। तो उससे जो है हमारी वीडियो अच्छी हो जाती है, सिर्फ खाली स्लोमो भी अच्छी नहीं होती, नॉर्मल वीडियो भी अच्छी नहीं लगती है। उसमें जब इफेक्ट्स डालते हैं उस वीडियो में जान तभी आती है उसमें गाना कैसे आप एडिट कर सकते हो। अब क्या है, एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग बाग, अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमें जो है वीडियो जो हम बना रहे हैं वो हमारा अकाउंट प्रोफेशनल है, आप अर्निंग के हिसाब से अपनी वीडियो को बनाते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी जो वीडियोज़ होती हैं, जो साउंड होता है वो कॉपीराइट आता है। आपने नोटिस किया होगा जिनका भी प्रोफेशनल वो है अकाउंट है, आईडी प्रोफेशनल है, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वीडियोज़ पे, कुछ फोटोज़ पे आपके आता है बूस्ट पोस्ट, कुछ पे नहीं आता। वो क्यों नहीं आता है, किन कारणों से नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि उसमें आपका जो म्यूजिक आप ऐड करते हो इंस्टाग्राम से उस पर कॉपीराइट म्यूजिक आ जाता है किसी किसी में, और या फिर आपके पिक्सल की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई ऑडियो यूज़ करते हो और जिस बंदे की ऑडियो यूज़ करो उसका नाम आता है, जैसे मैं पायल चौधरी अपना कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं ऑडियो कैसे ऐड करूं कि वहाँ मेरा नाम आए ऑडियो में। और अगर आप उस पर बनाते हो, उस ऑडियो को यूज़ करते हो, तो अगर आप अदर बंदा आईडी को यूज़ करेगा, सॉरी साउंड को यूज़ करेगा, तो उस आईडी पे मेरा ही नाम जाएगा, पारुल चौधरी। तो उससे क्या होता है, आईडी की ग्रोथ होती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो जो है आपके ओरिजिनल ऑडियो में सेलेक्ट हो जाता है और आपकी आईडी ग्रो होती है। इसका एक पॉइंट ये भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अलग से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, किस ऐप से कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या होता है। 5 मिनट का काम है, आप पर मैं सिखाती हूँ कि वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। चलिए, आपको क्या करना है, VN ऐप डाउनलोड कर लेनी है अपने फ़ोन में। और VN ऐप जैसे आप खोलेंगे, प्लस का निशान जो आप ब्लू देख रहे हैं वो आपको मिलेगा, और आप वहाँ पे प्लस के निशान पे जो है क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। आप जैसे न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें मेरी सारी वीडियोज़ हैं, मैं एक कोई भी वीडियोज़ आपको एडिट करके दिखा देती हूँ कि कैसे एडिट करनी है। एक नॉर्मल वीडियो उठा देती हूँ मैं इसमें से, जो कि स्लोमो नहीं है, नॉर्मल वीडियो मैंने शूट करा रखी है। तो ये देखिए, ये एक नॉर्मल वीडियो है और इसको अब हम एडिट करेंगे। कैसे एडिट करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, आपने जो है इसको ऐड कर लिया है, तो इसमें जो है ये देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, नीचे कितने सारे फीचर्स हैं। तो कुछ खास फीचर्स होते हैं जो हमें काम आते हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमको नहीं इसमें यूज़ करने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हमें करना है स्पीड, स्पीड का जो ऑप्शन है वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, ये देखो एक सीधी लाइन है। अब इसमें क्या करना है, एक जगह से स्पीड को कम, कहीं से फास्ट, कहीं कम, कहीं तेज, ऐसे स्पीड करनी है। तो ये एक डायग्राम होता है, आप आराम से इससे ये देखो यहाँ पर मैंने किया है, डाउन करेंगे तो स्लो हो जाएगा, अप करेंगे तो जो है तेज़ हो जाएगी आपकी वीडियो, जो है फास्ट हो जाएगी। और ये जो ऊपर रिंग जैसा है, इससे आप जो है ये बिंदु जो है आप गायब भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए प्लस भी कर सकते हैं, जितने बिंदु चाहो आप ले सकते हैं। इतना पास पास आपको जहाँ भी, जितना भी स्लोमो और फास्ट आपको अपनी वीडियो करनी है, आराम से आप जितने भी यहाँ से आपको एडिट करने के लिए मार्क्स चाहिए गोल ये वाले,
तो आप आराम से ले सकते हैं और जो है इस तरीके से आप आराम से वीडियो एडिट कर लेते हैं। इसमें देखिए मैंने ऊपर करने से जो है फास्ट हो जाएगी, नीचे करेंगे तो स्लो हो जाएगी। अब ये जो है एक मोटे मोटे से मैंने वीडियो एडिट की है। अब इसमें दूसरा फीचर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका जो है अगर रेशियो, आपको इसका दूसरा फीचर दिखा रही हूँ कि अगर आपको जो है वीडियो स्प्लिट, अगर आपको कहीं भी दूसरे इफेक्ट डालने हैं, इफेक्ट यूज़ करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है ना स्प्लिट किया है, जहाँ से आप स्प्लिट करेंगे तो वो दो वीडियो बन जाएगी। तो ये देखो अलग अलग इसमें ये ब्लैक वाइट, जैसे हम स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो में देखते हैं ऐसे इफेक्ट हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये कितने सारे इसमें देखो फीचर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कितने सारे इफेक्ट हैं जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कितने भी बार आप कर सकते हैं। स्प्लिट आप करेंगे तो जितनी बार स्प्लिट करेंगे उतनी सारी वीडियो आपकी नई नई जो है क्रिएट हो जाएगी। वो नई नई आप जहाँ भी स्प्लिट का ऑप्शन आप दबाएंगे वहाँ पे आपकी नई वीडियो जो है क्रिएट हो जाएगी, उसमें आप कितनी भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब जो है एक और फीचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है ये आप देखिए फिल्टर, इसमें आराम से आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके फिल्टर यूज नहीं करती हूँ, मैं ओरिजिनली रखती हूँ जो मेरे फोन की होते हैं क्लैरिटी वो, वरना थोड़ा पिक्सल में प्रॉब्लम आती है तो इसलिए मैं जो है इनके फिल्टर यूज नहीं करती हूँ। अब जो है एक और ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कई बार क्या होता है ना, आप डिपेंड करता है आप वीडियो किसके लिए बना रहे हो, आप ब्लॉगर है यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो 16:9 रेशियो आपको रखना पड़ता है। ये देखिए सब रेशियो है। अब जैसे आप क्या करते हैं इंस्टाग्राम के लिए जो है ओरिजिनल रेशियो में बनाओ, 9:16 रेशियो होता है इंस्टाग्राम की वीडियो का, तो आपको वहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है ऐड करते हैं साउंड, ऊपर देखिए प्लस म्यूजिक का निशान है, तो यहाँ पे देखो ये म्यूजिक साउंड इफेक्ट एंड ऑल ये सब आया हुआ है। ये मेरी म्यूजिक गैलरी में कुछ गाने जो है सेलेक्ट हो रखे हैं, सेव हो रखे हैं, तो मैंने जो है यहाँ से कोई भी एक गाना उठाऊंगी और यहाँ से जो है जितना भी मुझे क्रॉप करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वॉल्यूम मैंने इसके हाई कर दिया है। अब मैं जो है ऐड करती हूँ इसमें म्यूजिक, तो आप देखिए ये वीडियो म्यूजिक के बाद कैसी लगेगी। अब देखिए मैंने आपको म्यूजिक ऐड करना भी बता दिया है। अब अगर आपको इस वीडियो पे कुछ लिखना है, कोई भी टेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है, तो आप ये फीचर जो इसके म्यूजिक के जस्ट नीचे है टी लिखा हुआ है, आप वो फीचर इसका यूज कर सकते हैं आराम से। तो गाइज ये तो हुआ कि अब ये देखो एक जो है ये लास्ट में इतना सा एक वीडियो होता है, इसमें VN का लोगो होता है, आप उसको डिलीट कर दीजिएगा डाउनलोड करने से पहले। अब देखो मैंने आपको ये एक वीडियो जो है पूरी कंप्लीट एडिट करके बता दी है। इसमें और कोई ऐसे कोई खास फीचर नहीं होते हैं कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ही फीचर्स हम यूज करते हैं और हमारी वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है। तो अब जो है इसको हम ये जो है सेव करेंगे इस वीडियो को, और कोई लोगो नहीं आएगा। अब देखना कितना जो है अच्छा वीडियो एकदम से बन जाएगा। तो चलिए देखो डाउनलोड करके दिखाती हूँ मैं अब आपको ये वीडियो और गाना सुनाती हूँ। तो एक्सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को कर देना है, एक्सपोर्ट करते ही ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और आपकी वीडियो बहुत अच्छी एडिट हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा और मुझे थैंक्स बोलोगे। तो VN ऐप बहुत अच्छी ऐप है। तो ये देखिए आप जो है मेरी गैलरी में जो है ये वीडियो सेव हो चुकी है। और तो हो गई वीडियो एडिट। अब ये जो VN ऐप है, ये आप जो है कोई भी आपके पास फ़ोन है सब में वर्क करती है VN ऐप, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर आपका जो है आईफोन हो। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है फ़ोटो में अगर गाना लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं, एक फ़ोटो के आप वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अब जो है मैंने VN ऐप दोबारा खोली है, फ़ोटोज़ में जाएंगे और कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया है। अब इसको जो है इतना यहाँ पे जब ऐड, जैसे हमने वीडियो ऐड की थी, ये फ़ोटो ऐसे ऐड करके इसको ना जितना आप लंबा खींचना चाहो उतना लंबा वीडियो आपका ये बन जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी। तो उसके बाद जो है अब म्यूजिक ऐड करेंगे वहीं पे जाके, दोबारा मैं वही म्यूजिक ऐड कर रही हूँ, वही म्यूजिक ले रही हूँ। तो आपको देखिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे, और इसमें भी क्या है ना, जहाँ से भी स्प्लिट करेंगे जितना भी स्प्लिट करेंगे आप अलग अलग से इसमें भी इफेक्ट डाल सकते हो गानों में। कितना हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट है, जो भी आप इफेक्ट डालेंगे स्प्लिट कर करके आप उसी पोर्शन में इतना जितना भी वीडियो आपका कट हो जाता है वहाँ से, उसमें आप अपना ये इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो और भी अच्छा बन जाता है हमारा वीडियो गाने के साथ।
तो बहुत सारे लोगों की ये वाली प्रॉब्लम होती है, आई होप ये वाली प्रॉब्लम तो सोल्व आज हो ही गई होगी। तो अब ये देखो जो एंड में होता है ना, इसको हमेशा आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कीजिएगा। जब भी आप वीडियो या फोटोज़ क्रिएट करते हैं तो आपका वी एन का लोगो नहीं आएगा, आराम से फिर डायरेक्ट आप फोटो वीडियो एक्सपोर्ट करके गैलरी में सेव करके आप चाहे यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो, और चाहे अपना इंस्टाग्राम पर डालो, और अपना जो है चैनल ग्रो करो, और अच्छी अच्छी जो है एडिटिंग करो। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते आप, क्योंकि अब आप खुद सीख सकते हैं। जब तक सीखोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, देखो कैसे आएगा। तो ये जो है मैंने आपको आज जो है कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ आपको दिखा दी है एडिट कर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐप थी जो मैं आपको बताने वाली थी, वी एन ऐप। इसका आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये खरीदनी पड़ेगी कोई फ़ीचर्स आपको इसके खोलने हैं तो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने फ़ीचर्स हैं कि कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए सफिशेंट होता है। तो इंस्टाग्राम की वीडियो, यूट्यूब अगर अपलोगर है आपको वीडियो या व्लॉग अपना एडिट करना है तो ऐसे ही आप आराम से जो है अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना कि मेरी आवाज़ कम आती है, अभी मेरे पास एक्चुअली माइक नहीं है तो मे बी थोड़ी सी आवाज़ कम होगी, बट एडजस्ट कर लेना है ना। मैंने जो वीडियो बनाई है वो तो आपको समझ में आई गई होगी। और एक ऐप और है इनशॉट। इनशॉट में क्या है, कुछ लोग मैंने नोटिस किया है एडिट करते हैं उनका लोगो आता है, इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है। बट उसमें लोगो रिमूव करने का ऑप्शन होता है। आप जब वीडियो को पूरा एडिट कर लेते हैं, आपकी जो वीडियो होती है उसमें नीचे बिल्कुल इनशॉट लिखा आता है, तो उसको क्रॉस आप करेंगे तो वो लोगो जो है हट जाता है और आपको एक ऐड देखना होता है। आप उस ऐड को देखेंगे, उसके बाद सेव कर कीजिएगा, तो आपका जो है इनशॉट ऐप से जो लोग वीडियो को एडिट करते हैं तो उनका जो है वो लोगो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो है वी एन ऐप से आराम से ऐसे ही फोटो और वीडियो एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपनी वीडियो खुद से एडिट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।